तो आज के साल वीडियो में मैं सर्वे करने वाला हूँ 100 इन एशियन सिटी। और मुझे पता है देखो वीडियो काफी ज्यादा लेट है, पर क्या करूँ यार, मेरा पीसी दोबारा से खराब हो गया था यार, 5 दिन लगे थे सिटी करवाने में बताओ। लेकिन मेन दिक्कत ये नहीं थी, मेन दिक्कत ये थी कि एशियन सिटी वाले वर्ल्ड को बनाएगा कौन, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड किसी ने बनाया भी नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मतलब 100 दिन अपनी एक एशियन सिटी में बिताऊं। मैं चाहता था कि एक लूप होल क्रिएट हो और मतलब हर जगह एशियन सिटी बन जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड में एशियन सिटी रहे, तो मैं कुछ ऐसा चाहता था। पर ऐसा वर्ल्ड बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा था क्या मतलब पैसे नहीं थे दोस्तों से बनवाने के, हाँ वो भी नहीं थे। पर फाइनली 15 मिनट की कोडिंग के बाद हमने वो वर्ल्ड बना लिया। और आज की इस वीडियो में हम सर्वे करने वाले 100 इन एशियन सिटी। मुझे पता है दोबारा बोल रहा हूँ, पर हाँ इस वाली वीडियो में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सर्वाइव रहना, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे लाइफ जनरेट करना, हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सुंदर सा घर बनाना, हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है तीनों बोसेस को मारना, एंडर ड्रैगन, ब्रिदर और वार्डन। और वार्डन को मैं 2 बार मारूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मारूंगा, मतलब ज्यादा उम्मीद मत रखना। और हाँ यार, इस वाली वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा था, तो आज की वीडियो का लाइक है हम 40,000 लाइक करते हैं। देखो मुझे पता है, देखो तुम लोग करवा देते हो तो आज भी करवा देना, और कमेंट का टारगेट है 1K कमेंट, तो देखो पिछली बार की तरह तुम इस बार भी करवा दोगे, मुझे पता है, प्लीज करवा देना, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। और पहले दिन मैं एशियन सिटी में स्पॉन हो चुका था और पीछे से मेरे क्रीपर आ रहा है, तो पहले उससे बचते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ की प्रॉब्लम बता देता हूँ, यहाँ की 2 प्रॉब्लम है जो कि मेन प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे वुड मिलना तो ना के बराबर है, मतलब वुड तो तुम्हें मिलेगी नहीं, तो मैं यहाँ पे अपने स्टोन के टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं बना सकता, मतलब स्टिक भी नहीं बना सकता। तो यहाँ पे मैं बस एक ही चीज तोड़ सकता था, वो होता है कि वुड, तो मैंने वुड थोड़ी थोड़ी सी, उसके यहाँ पे थोड़े से ज़ॉम्बीज आ गए थे, मैंने ज़ॉम्बीज को मारने लगा। और सर बताऊँ तो भाई हाथ से मारने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है भाई इन ज़ॉम्बीज को। और उसके बाद मैंने एक एक करके इन्हें मार दिया था, इन्हें मारने के बाद मुझे यहाँ पे रोटन फ्लैश मिल गया था, तो मैंने यहाँ से रोटन फ्लैश भी उठा लिया था, क्योंकि भाई रोटन फ्लैश ही अभी यहाँ पे एक जरिया है खाने का, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और आगे चलने के बाद यहाँ पे मुझे मिल गया था, हाँ जो स्पॉन करता है वार्डन को, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर हाँ ये बंदा करता है स्पॉन, ठीक है। तो मैंने इसे थोड़ा सा वूल से ढक दिया था ताकि यहाँ पे स्पॉन ना हो जाए। और इस वाली चीज मुझे कुछ ज्यादा खास सामान मिला नहीं था, पर हाँ डायमंड की लेगिंग मिल गई थी, थोड़ा सा कोल मिल गया था, और ठीक है मतलब नॉर्मल चीज थी। उसको यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गया था, तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारने लगा था। और यहाँ पे तुम ये चीज देखो भाई, ये बंदा ज़ॉम्बीज ऊपर से कूद के मर गया, पता नहीं क्या जल्दबाजी थी इसे मुझे मारने की, या हो सकता है किसी ने धक्का दे दिया उसे। और यहाँ पे भाई एकदम से बालक आ गया था, तो मैं यहाँ से भाग गया, तो मैं पता होगा कि मैं बालक से बहुत डर रहता हूँ, क्योंकि एक तो छोटे होते हैं और तेज भगते हैं, और इनपे एम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ भाई इन्हें अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार मर चुका हूँ यार अपने हार्ड कोर वर्ल्ड में इन बालकों से, तो मैं जब से भाई बहुत ज्यादा डरता हूँ। उसको मैं यहाँ से थोड़ी सी वुड कलेक्ट करी थी, वुड का 2 रीजन था, पहले तो मैं बिल्डिंग को कलेक्ट कर रहा था, और दूसरा मुझे यहाँ पे जो वार्डन को स्पॉन करती है उन्हें थोड़ा ढकना था। मैं भाई मुझे पता है मैं ऐसे क्यों ढक रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ को ढकना होता है मैं इसे ढकने लगा था, मुझे लगा था यही स्पॉन करता वार्डन को, इसे ढकने से वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, लेकिन हाँ हमें दूसरे वाले को ढकना होता है, मैं सही कह रहा हूँ ना, अगर मैं गलत करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। पर मैं थोड़ा भाई नई नई चीज़ हूँ, मैं पहली बार इसमें खेल रहा हूँ, तो नहीं पता भाई मुझे इन सब चीज़ों के बारे में। उस पर मैंने 1-2 चार स्टोर लूटी थी, मतलब इतना ज़्यादा खास सामान मिला नहीं था, पर हाँ ठीक ठाक था, मतलब कोल मिल रहा था, पर उस कोल का भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें स्टिक नहीं मिलेगी। और यहाँ पे गलती से यार मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया था, और भाई मुझे नहीं पता था कि एकदम से मतलब अंधेरा छा जाता है, मैं सोचता था कि जब वार्डन आता है जब अंधेरा होएगा, ओ भाई ये आती, मैं डर चुका था, मुझे लगा था कि अब वार्डन आ जाएगा और मार देगा, तो मैं थोड़ा सा रुका रहा, क्योंकि मैं इतना पढ़ के आया था कि हाँ वार्डन अंधा होता है वो आवाज़ से आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा झुक के बैठ गया था कि हाँ आवाज़ नहीं करनी ताकि वार्डन स्पॉन ना हो, लेकिन यहाँ पे वार्डन स्पॉन नहीं हुआ था, मतलब अंधेरा हुआ था पर वार्डन स्पॉन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुश था भाई। और उसको मैंने 1-2 चेस्ट और लूटी थी, मतलब भाई मैं चेस्ट ही लूट रहा हूँ, पर मुझे अभी भी कोई ढंग की चीज़ नहीं मिली थी, मैं चाहता था बस एक यार कोई टूल वगैरह मिल जाए, पिकैक्स मिल जाए ना, तो हम हमें स्टोन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, और लकड़ी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि लकड़ी के बिना हम स्टोन का टूल्स भी नहीं बना सकते, तो हाँ मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरी हंगर बार देखो भाई, मेरी 2 हंगर बार कम हो चुकी है, मतलब खाने का कुछ बढ़िया जुगाड़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये मेरा दूसरा दिन चल रहा है, और मैं जब से भाई रोटन फ्लैश ही खा रहा हूँ, रोटन फ्लैश भाई इतना अच्छा सोर्स नहीं है भाई खाने का, कभी कभी तो पॉइजन दे देता है, जल्दी जल्दी हंगर बार कम कर देता है। लेकिन अगले वाली चेस्ट में हमें मुझे पता चला कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी बेरी मिल गई है, लेकिन वो बहुत कम बेरी थी, तो मैंने सोचा कि इन बेरी को हम उगा देते हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ से चेस्ट भी कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और मुझे अपनी स्टोरेज भी बढ़ानी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई चेस्ट भी कलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने 1-2 चेस्ट को उड़ लूटा था, तो मुझे थोड़ी बहुत बेरी मिल गई थी, तो मैंने उन बेरी को मैंने उगा दिया था ताकि मुझे उनसे और बेरी मिल जाए। और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना सबसे पहला एंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात थी, क्योंकि मैंने देखा था यार लोगों को 2-2 मिल जाते हैं एक साथ, तो अभी मुझे एक ही मिला है, पर हाँ ठीक है भाई। लेकिन यार वो गोल्डन एप्पल यार ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि मैं था मुसीबत में, क्योंकि ये हरामी स्केलेटन मुझे मार सकता था यार, क्योंकि मैं पानी के अंदर फंस गया था, और सील भी नहीं थी मेरे पास बचने के लिए, और पानी से निकलने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने उस गोल्डन एप्पल को खा लिया। मुझे पता है देखो भाई यार चीज़ थी, मैं पोशन नहीं पी सकता था, मेरे पास पोशन ऑफ रीजनरेशन है जो कि मुझे चेस्ट से मिले थे। और ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पे एक स्पॉनर दिखा था,
उसके आसपास चेस्ट भी थी, तो मुझे उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे हमें आयरन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भाई वो थे ज़ॉम्बीज़ थे, जो कि मैंने गोल्डन एंचेंटमेंट एप्पल खा रखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो ठीक है इसलिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे स्पॉनर था, तो उस टाइम पे तो लकीली कोई स्पॉन हुआ नहीं था, पर यहाँ पे नेम टैग मिल गए थे और थोड़े बहुत हमें और चीज़ मिल गई थी, लेकिन आयरन नहीं मिले थे, मुझे आयरन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी। लेकिन आयरन के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुड, भाई वुड भी नहीं मिल रही मुझे, तो भाई तो मैंने सोचा कि ये भी यहाँ से कूदना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ चुके थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज और ये सब के सब मेरे खून के प्यासे थे, ऊपर से भी दो गिर गए थे, तो मैंने यहाँ से भाग गया। वैसे एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा रखा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, पर हाँ अगर नहीं लेता तो शायद से मैं मर जाता। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चेस्ट लगा दी थी जहाँ पे मैंने अपनी बैरी उगाए थे, तो मैंने उसी के पास में यहाँ पे एक चेस्ट लगा दी जिसमें अपना सारा फालतू फालतू सामान रख देता था, क्योंकि मेरी चेस्ट पूरी भर चुकी थी और अब मुझे जाना था एक्सप्लोर करने थोड़ी बहुत चेस्ट और लूटने। और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मिली थी, जिसमें मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ था कि मतलब ये ऐसी चीज होती भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं आया था एशियन सिटी वगैरह के बारे में, मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर होता है, कहाँ कहाँ चेस्ट होती है। तो मुझे पता चला ये पोर्टल रूम के नीचे कुछ ऐसा सा रहा भाई, रेस्ट होते बहुत सारे और काफी सारी वूल वगैरह थी और यहाँ पे पिस्टन वगैरह थे, तो मुझे ऐसा लगा था ये कोई सीक्रेट बेस टाइप का होगा, कुछ वार्डन ने बना रखा होगा अपना, यहाँ पे लेक्टन भी थी। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ग्रास के ब्लॉक है, मतलब लिटरली मुझे यहाँ पे डर्ट मिल चुकी है और डर्ट से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं यार, हम खाना उगा सकते हैं, और ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, तो इसलिए मैं इसे चेक करने के लिए अपने सिंगल प्लेयर वाले वर्ल्ड में गया और वहां जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई ऐसी सच में चीजें होती है और मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। और अगर मुझे पहले पता होता ना, तो देखो मेरे पास बोन व्हील तो पहले से ही है यार, मैं छिड़क छिड़क के सीट ले सकता था और सीट से हम अपनी वो कर सकते थे यार, मीट वगैरह उगा सकते थे। तो इसे देखने के बाद मुझे अपने आप पे थोड़ा गुस्सा आया कि मुझे पढ़ के आना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। और उसके बाद मैंने वही काम किया, मैंने बहुत देर तक सीट कलेक्ट कर रही, अब तुम्हें लग रहा होगा सारी चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है मेरे लिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीट उगे ही नहीं। क्यों नहीं उगे? क्योंकि सीट्स को उगाने के लिए हमें चाहिए लाइट, और लाइट यहाँ पर कहीं थी नहीं, क्योंकि लाइट के बिना सारी सीट्स नहीं उगते, उसके लिए हमें लाइट के लिए भी हमें टॉर्च बनानी चाहिए और जो टॉर्च है वो लकड़ी से बनेगी। और उसके बाद मैं वापस से वहीं पर आ चुका था जहाँ पे अपना पहला बेस बनाने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे एक अच्छा खासा बेस मिल चुका है जो कि थोड़ा बहुत सेफ भी है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी स्पॉन नहीं होते और यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो इससे मुझे यहाँ से निकलना था। और उसके यहाँ से मैं अपनी किताब विताब ले रहा था, मतलब एंचेंटमेंट बुक, और यहाँ पे भाई यार ये मारे जा रहे थे, तो यहाँ से मुझे रीजनरेशन का पोषण पीना पड़ा। और रीजनरेशन पोषण पीने के बाद मतलब इतना है कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना हेल्थ बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। और उसके बाद यहाँ से मैंने अपनी एक किताब विताब भी ले ली थी और उसके बाद यहाँ से मैं चला गया था। लेकिन भाई मेरे पीछे यार स्केलेटन पिट गया था और यहाँ पे वार्डन भी आ चुका था, वार्डन वाली क्लिप यार उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे लगा था कि यार थोड़ा बहुत काम ही कर रहा हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो और जैसे मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी, ऊपर से यहाँ पे एकदम से वार्डन आ गया था, मतलब वार्डन आया था, वो अंधेरा अंधेरा होता है, डार्कनेस का इफेक्ट मिल जाता है, वो हो चुका था, मतलब वार्डन नहीं आया था अभी, चिंता मत करो, जब वार्डन आएगा पक्का उसे रिकॉर्ड करूंगा। उसका यहाँ पे मैं घर जा रहा था, यहाँ पे देखो भाई कितने सारे क्रीपर है, और अगर मेरे पास उसमें सीड होती ना, मैं यहाँ से भागता नहीं, मैं इन सबको फोड़ देता, पर यार सीड नहीं है, इनके पास भी नहीं जा सकता मैं। और आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे पानी का सोर्स ही मिल गया था, तो यहाँ से मैंने सोचा कि पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, और पानी मैंने इसमें बाल्टी में कलेक्ट कर लिया था। ये बाल्टी मुझे स्पोनर से मिली थी, तुम्हें याद हो तो जब मैंने एंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल खा लिया था, तो उस टाइम जब मैं स्पोनर के पास गया था तो वहाँ पर मुझे एक बाल्टी मिली थी, तुम उस चीज़ को दोबारा देखो। उसके बाद मैं यहाँ पे फार्मिंग करने लगा था, और लेकिन ये यार सीड नहीं लग रहे थे भाई यहाँ पर, नहीं भाई मैंने सोचा था कि ये जो टॉर्च है सोल सैंड वाली, इनसे थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी, पर इनसे भी यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्हें हमें नॉर्मल टॉर्च ही बनानी पड़ेगी, और नॉर्मल टॉर्च के लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ यहाँ पे मिल नहीं रही, तो मतलब खाने का तो कुछ जुगाड़ होगा नहीं यहाँ पर, और खाने के लिए बस हमें रोटन फ्रेस खाना पड़ेगा या फिर हमें कुछ बेरी खानी पड़ेगी। और मेरी हेल्थ हंगर बार देखो बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसने मुझे ना चाहते हुए भी गोल्डन एप्पल खाना पड़ा। जब मेरे पास थोड़ी बहुत कैंडल भी थी, तो मैंने सोचा इन्हें लगा देते हैं और हो सकता है इनकी रोशनी से वो जल जाए, लेकिन इन्हें जलाने के लिए हमें फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत है, और फ्लिंट एंड स्टील के लिए हमें फ्लिंट चाहिए और आयरन चाहिए, और आयरन हम पिकैक्स से माइन करते हैं, और पिकैक्स नहीं है, पिकैक्स के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे रहना, और यहाँ पे तो भाई एक बार में मरते मरते बच जाता। ये क्रीपर भाई पता नहीं, मुझे अच्छे से पता था मुझसे दूर है, और मैं लगा कि बच जाऊँगा, मैं मतलब बच भी गया। और उसको मैं वापस से अपनी उस वाली जगह पर आया था जहाँ पे मैंने बैरी उगाई थी, वो सच में इस बार भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत बैरी मिल गई थी मुझे, और मुझे पता है देखो अब तुम मुझे चट्टा मारने वाले हो, क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता था कि बोन व्हील पे ऐसे टच करने से यहाँ पे बैरी मिल जाती है। सच में भाई मुझे नई अपडेट के बारे में कुछ नहीं पता, ये कैसे काम करता, मैं ज़्यादातर इस वाले वर्जन में खेलता ही नहीं, मेरी ज़्यादातर तुमने वीडियो देखी होगी वो ज़्यादातर 16.5 में होती है, पहली बार 19 में खेल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये बेरीज को कैसे उगाया जाता है। फिर मुझे पता चला कि हाँ बोनविल मारने से बेरी उगती है, और मैं जब से भाई खाने की तलाश में ढूंढ रहा हूँ, और खाना इतना सारा होगा मतलब ठीक है, मतलब बन जाएगा काम हमारा, लेकिन ये खाना भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जो बेरी है ये दो बेरी खाने पर हमारी एक हंगर बार फुल होती है, तो मतलब ये भी इतनी बढ़िया सोर्स नहीं है, ज़्यादा खुश मत होना तुम। वहाँ पे एक दिक्कत और है क्रीपर की, भाई यहाँ पे इतने सारे क्रीपर स्पॉन होते हैं भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे घर की पूरी एंट्रेंस फाड़ दी इन्होंने, और कई बार मुझे ऐसा लगता है भाई नहीं हो पाएगा यहाँ से। अरे भाई नहीं 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 भाई निकलते निकलते गया। ओके यार ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा।
हाँ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। और यहाँ पे ये बैरी पहले मुझे लगता है अच्छा सोर्स है, लेकिन भाई नहीं है, ये अच्छा सोर्स बिल्कुल भी नहीं है खाने का, बहुत बेकार सोर्स है। इतना ज़्यादा खाना खाना पड़ता जब जाके मेरी एक तो हेल्थ बढ़ती है और भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है यार बैरी से तो मैं। लेकिन ना चाहते हुए भी हमें ये चीज़ खानी पड़ रही है, हाँ मतलब क्योंकि और कुछ खाने के लिए नहीं है, तो भाई अभी तक इनसे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्द हम कुछ और करेंगे। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चेस्टें लूटी थी, तो उसमें से एक चेस्ट में मुझे यहाँ पे गोल्ड एपल मिल गया था और एक चेस्ट में मुझे यहाँ पे कुछ एंचेंटमेंट बुक वगैरह मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवल थी, तो मैंने सोचा भाई ग्रेवल को कलेक्ट लेते हैं, हमें फ्लिंट एंड स्टील बनाने में काम आ जाएगी। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर स्पोनर दिख गया था दोबारा से, और स्पोनर के अंदर उम्मीद होती है कि हमें वहाँ से आयरन मिल जाए। तो इस बार मैंने यहाँ पे पोशन पी लिया था रीजनरेशन का, ताकि भाई मेरा गोल्डन एप्पल वेस्ट ना हो। और ऊपर जाने के बाद भाई मैंने इसकी चेस्ट चेक करी थी, सच बताऊँ तो मेरे पास पहले तो चेस्ट खुली नहीं थी भाई, मैं ग्रेवल प्लेस कर रहा था, लेकिन फाइनली भाई इस चेस्ट के अंदर हमें आयरन मिल गया था। और आयरन मिलने पे मैं इतना खुश क्यों था मुझे नहीं पता, कि भाई बिना वुड के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से निकलने के लिए मैंने सस्ती सी MLG करी थी और मैं आगे की तरफ चल गया था। उस बाद मुझे पता चला कि हम इससे फ्लिंट एंड स्टील तो बना ही सकते हैं ना, और फ्लिंट एंड स्टील से हम नेदर पोर्टल को लाइट अप कर सकते हैं, और हमें बस अब नेदर पोर्टल बनाना है। तो मैंने सोचा कि हमें छोटा सा लावा पूल ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हमें नेदर पोर्टल बना सकते हैं। और आगे चलने के बाद यहाँ पर एक चेस्ट मिली थी, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे दो गोल्ड एप्पल मिले थे। मतलब ये मेरी लाइफ का पहला चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे दो भाई गोल्ड एप्पल मिले थे। मैंने पहले भी एक बार ऐसा वर्ल्ड बनाया था पर उसमें भाई नहीं मिले थे मुझे, मैंने बहुत सारी चेस्टें लूटी पर नहीं मिले, और फाइनली मिल गए मुझे। और यहाँ पे मुझे एक लावा पूल भी मिल गया था, जो कि थोड़ा नीचे था पर हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फटाफट से सोचा कि हम जल्दी से पोर्टल बना लेते हैं और नेदर की तरफ चलते हैं। लेकिन अच्छा खासा सब कुछ जा रहा था, बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती ना कर दी होती तो वो एक्चुअली मैंने 2x2 का पोर्टल बना दिया, और ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, और हम इसे तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि डायमंड की पिकेक्स भी नहीं है। मतलब हमें दोबारा से एक और नया पोर्टल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं चला गया था पानी लेने, पानी लेने के बाद मैं वापस आया, मुझे लगा था कि इस बार तो मैं पक्का बना ही लूंगा। वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं ये पिलर बना रहा था और ये जो पिलर है, इस पिलर के पानी ने सारा लावा को ऑफसेट बना दिया, और अब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो ठीक है भाई, देखो गलती इंसान से होती है, देखो मैं भी नहीं चाहता कि ये गलती हो, पर अब जो हो रहा है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 2 बार गलती करी है, पर प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार पक्का एक बढ़िया सा पोर्टल बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखती है जिसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। मुझे यहाँ पर एक ग्रीन पोर्टल दिखता है, जो कि दुनिया की नज़रों से छुप के बैठा था। भाई मैं इतनी देर से पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पर छुप के बैठा है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से इसे फिक्स किया था, मुझे पता है थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन यहाँ पर यार एक विच आ गई थी जिसने मुझे पॉइजन वो फेंक दिया था, पॉइजन का इफेक्ट दे दिया था। तो मैंने सोचा कि भाई मरने से अच्छा यहाँ से तो कुछ खा लेते हैं, और बैरी देखो बहुत बेकार सोर्स है खाने का, तो मैंने गोल्ड एप्पल खा लिया। मुझे पता है देखो गोल्ड एप्पल खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद रुक जाए थे, क्योंकि देखो गोल्ड एप्पल मुझे वापस मिल सकता है, लेकिन अगर मैं मर गया तो ये वर्ल्ड वापस नहीं आ सकता ना, क्योंकि हार्ड कोर है। तो मैं थोड़ा सेफ खेल रहा था, और हाँ मैं सेफ ही खेलता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इस पोर्टल को लाइट अप कर दिया था और मैं चले गया था नेदर की तरफ। और यहाँ पे मेरी किस्मत थोड़ी सी सही काम कर गई थी, क्योंकि मैं जो स्पोन हुआ था वो यहाँ क्रिम्सन बायोम थी, ऐसे ही एक मतलब कुछ है, हाँ ऐसी होती है क्रिम्सन बायोम, ठीक है तुम मान सकते हो। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं पेड़ वाली बायोम में स्पोन हो चुका था, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और यहाँ से मैंने जल्दी से फटाफट से कुछ पेड़ वेड़ तोड़े थे, मतलब कुछ वुड कलेक्ट करी थी, ताकि मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह कुछ बना सकूँ। थोड़ी सी वुड कलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपने ओवर वर्ल्ड में आ चुका था, मतलब कि एशियन सिटी वाले वर्ल्ड में। और अब जो हमारे पास वुड है तो हम बना सकते हैं टॉर्च, और टॉर्च बनाने के बाद हम यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात थी हमारे लिए। भाई फाइनली कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे टॉर्च वगैरह बनाते हैं, मैंने यहाँ से टॉर्च वगैरह बना ली थी, और मैंने यहाँ पे वीट उगा भी दिए थे, जो कि अच्छे खासे उग गए थे। मैं काफी ज्यादा खुश था कि हाँ फूड का कुछ सोर्स आएगा, लेकिन इन्हें उन्हें भी हमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन मेरे पास थोड़ी बहुत बोन व्हील थी, तो मैंने बोन व्हील मार के इन्हें थोड़ा सा उगा दिया था, ताकि एटलीस्ट मेरा थोड़े बहुत ब्रेड तो बन ही जाए। उसके बाद मैं वापस से नेदर में आ चुका था, ताकि मैं यहाँ से थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारे वुड कलेक्ट कर लिए थे, और यहाँ पे मुझे एक होली बहुत ज्यादा परेशान करता भाई, टक्कर मार रहा था। तो मैं चला गया था नीले वाले फूल के पास, क्योंकि ये जो होली ना ये नीले वाले फूल से डरते हैं। और इस होली को देखने के बाद मुझे एक आइडिया आया था कि हम यहाँ पे एक होगलिन फार्म बना सकते हैं, एक होगलिन फूड फार्म भाई काफी आसानी से बन जाता है, और उस समय अच्छा खासा पोप चोप मिल जाएगा, यही कहते हैं ना, मतलब कुछ यही कहते होंगे। उसके बाद मैं वापस अपने ओवर वर्ल्ड में आ चुका था, मैंने थोड़े बहुत स्टोन वगैरह कलेक्ट करे थे, उनसे टूल वगैरह बना लिए थे, और मेरे पास लकड़ी भी थी, तो मैं अपनी शील्ड वगैरह भी बना सकता था, मैंने अपनी तलवार भी बना ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिकेक्स बना ली थी, तो बताओ हम डायमंड भी माइन कर सकते थे, और मेरे पास पूरा आरओ भी नहीं था, तो मैंने अगले 2 दिन तक बस माइनिंग करी थी। मैंने वहाँ से डायमंड माइन करे थे, और थोड़ा सा गोल्ड वगैरह मिल गया था, तो उन्हें भी माइन कर लिया था, ताकि मैं नेदर जाके वहाँ से ट्रेड कर सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्रीपर वगैरह आ रहे थे, तो इनसे तो मैं अच्छे खासा लड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास शील्ड भी हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि वोल्डन स्पोन होता है नहीं होता। देखो मुझे पता है बहुत पागल
हरकत है वाली, पर मैंने बस ट्राई किया था क्योंकि पहले में दो बार आया था ये वुडन स्पून नहीं होता, पर यहाँ पे सच में वुडन स्पून हो गया था। और मुझे लगा था देखो मैं इतने पढ़ के आया था वुडन अंधा होता है, वुडन को अगर आवाज़ नहीं करेंगे तो वुडन हमारे पास नहीं आएगा, और ऐसे ही हुआ वुडन नहीं आता हमारे पास अगर आवाज़ नहीं करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा पास खड़े हो गए तो वो आ जाएगा। उसके बाद वुडन काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा था, मुझे पहले लगा था भाई मेरा गेम तो क्रैश नहीं हो गया, पर फिर उसके बाद थोड़ी सी हरकत करी थी, हिलने मिलने लगा था ये, और मुझे लगा था नहीं आने वाला ये मेरे पास, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ ये एकदम से कूद गया नीचे और मुझे लगा ये मेरे पीछे पड़ रहा है, और सच बताओ तो ये मेरे पीछे नहीं था, ये स्केलेटर के पीछे था। सच में जब ये कूदा था ना मुझे ऐसा लगा था कि भाई होगी वीडियो बन गई पूरी, लेकिन तुम वहाँ पे देखो ध्यान से उसने पीछे वहाँ पे स्केलेटर को मारा और चुपचाप चला गया था। मैंने यहाँ पे गोल्ड एप्पल भी खा लिया था, मुझे लगा था वो मेरे पीछे आएगा उसके बाद, लेकिन नहीं आता वो, क्योंकि मुझे लगता है देखो वार्डन की एक रेंज होती है, ऐसे उसी रेंज में अगर हम आवाज़ करेंगे तो ही वो हमारे पीछे आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा ठीक है। और यहाँ पे थोड़े ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ गए थे तो इन्हें मारने के बाद मैं आगे तक चला गया था, मतलब हम थोड़ा डर के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो चुका है। और सर बताओ तो यार देखो ये बंदा किसी एंगल से खतरनाक नहीं लग रहा मुझे भाई, ये बंदा दीवारें सूंघ रहा है यार, इसे और कुछ नहीं मिलता, ये चमगादड़ को मारने लग जाता है बताओ। तो मुझे इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगा था। उसका जो वापस से डायमंड माइन करने चला गया था, उससे मैंने अपना पूरा आर्मर कंप्लीट कर लिया था, हाँ मतलब पूरा आर्मर कंप्लीट हो चुका है, तो हम थोड़े बहुत पावरफुल बन चुके हैं, तो अब हम आखिरकार वार्डन से लड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लड़ूंगा जब तक मैं अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट नहीं कर लेता, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है भाई उससे लड़ना। उसका मैंने अपनी डायमंड की तलवार और डायमंड की पिकेक्स बना ली थी, उसको मैं चला गया थोड़ी देर माइनिंग करने, मतलब ऐसी चीजों का एक्सप्लोर करता, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर वो जो वार्डन था जो मैंने पिछली वाली एनसीटी में स्पॉन करा था वो मेरी इस वाली एनसीटी में भी आ गया है, जिसकी वजह से मैं भी आया था ऐसे इस वाली गेम से, भाई ये मेरी एनसीटी में आया है, ओ वो देखो भाई सामने ही है ओ भाई, और यहाँ पे मेरे घर है, तो इस वजह से मैं थोड़ा डर रहा था यार ये मेरे घर के आसपास ना चला जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हम इस वाली एरिया को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वार्डन यहाँ आ ना पाए, लेकिन जब मैं ये कर ही रहा था भाई वार्डन मेरे पास ही आ गया था, साइड में खड़ा था, ऐसे उसे जो मैं ब्लॉक माइन कर रहा था उसकी आवाज़ आ गई थी, और एकदम से भाई इसने सोनिक बीम मारी ना, मतलब जो भी इसकी वो होती है रेजर राइड्स थी, तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ खत्म हो गई थी यार, मैं डायमंड का आर्मर में था यार, मतलब एंचेंटमेंट नहीं था वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आयत नहीं होनी चाहिए थी। वो तो सही था कि मैंने उस वाले एरिया को थोड़ा ब्लॉक कर दिया था ताकि वार्डन ना आ सके, भाई सच में अगर वो चीज़ ना होती ना मैं मर जाता, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। तो उसके बाद ये अटैक होने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से एस्केप करने का कुछ तरीका ढूंढते यार, मुझे अभी थोड़े बहुत रिसोर्स चाहिए जो कि मुझे ऊपर ही मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है बेड रॉक काम ना कर रहा हो, लेकिन जब मैं ऊपर गया तो भाई यहाँ पे बेड रॉक लग रखे थे हर जगह, मतलब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैं वापस से नीचे की तरफ आ गया था और वहाँ पे वार्डन खड़ा था, भाई ये बंदा चमगादड़ को मार रहा है, तुम देखो इसे कोई कुछ नहीं मिलता है चमगादड़ को मारने लग जाता है, कभी कभी तो मुझे इस पर तरस भी आता है। अगर तुमने वो वाली मूवी देखी है ना ज़ॉम्बीलैंड अगर तुमने देखी होगी तो उसमें भी सेम ऐसा ही ज़ॉम्बीज था जो कि चमगादड़ और तितली वगैरह को मारता रहता, तो उसकी तरह लग रहा था मुझे थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं नेदर में पहुंच गया था, और नेदर में थोड़ी देर आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर फोर्ट्रेस मिल गई थी, जो कि इतनी अच्छी खासी फोर्ट्रेस नहीं थी, बहुत छोटी सी फोर्ट्रेस थी, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे ब्लेज रोड वगैरह तो मिली जाएगी, और सामने की तरफ दो ब्लेज थे जिन्होंने भाई काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज कर दिया था, मुझे पता नहीं था इतना तगड़ा डैमेज देंगे ये। तुम देखो यार मेरे पास डायमंड का आर्मर है, फिर भी यार एक अटैक में मेरी आधी हेल्थ गई और दूसरे अटैक में मेरी अच्छी खासी हेल्थ गई, और आगे चलने के बाद यहाँ पे मुझे विदर स्केलेटन मिल गई थी, तो मैंने सोचा भाई इन्हें ही मार लेते हैं, हो सकता है विदर स्केलेटन हेड ही मिल जाए हमें, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मतलब मुझे एक बहुत ही ज्यादा रेयर मिलता है भाई, मैंने बहुत स्केलेटन मारे हैं लेकिन तब जाके मुझे एक दो मिलते हैं, और तुम आगे देखना वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे एक एंडरमैन भी आ चुका था, तो मैंने इसी मार दिया था, अच्छी खासी बात है कि इससे हमें एक एंडरपल मिल गया था, और एंडरपल हमें इसलिए ढूंढना है ताकि हम एंडर ड्रैगन को मार के वहाँ से इलाइटर ला सके, और इलाइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी। और जैसे कि मैं तुम्हें बताया सारी फोटोज में कुछ ज्यादा खास सामान मिला नहीं था, बस गोल्ड के ब्लॉक मिले थे, थोड़ी बहुत नेदर वॉट मिल गई थी और सोल सैंड मिल गई थी, बस इन्हें लेने के बाद मैं वापस से बाहर आ चुका था। बाहर मुझे एक और एंडरमैन मिल गया था, तो मैंने उसे भी पेल दिया था, उससे भी मुझे एक एंडरपल मिल गई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं MLG करूंगा। बहुत लोग कहते हैं यार तो MLG नहीं करता, तो ये देखो भाई मेरी सुपर हिट MLG है ये, मतलब पता नहीं कैसे बच गया, पर हाँ बच गया, मैंने सिंगल प्ले वर्ल्ड में वाला सीट डाल के देखा था और मैं ऊपर से कूदा था, तो मैंने देख लिया था कि हाँ अगर मैं यहाँ से कूद भी जाऊँ अगर MLG नहीं होती तो भी मेरा आधा हेल्थ बचेगी, तो ही मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। तो ये मत समझना है मैं बहुत ज्यादा प्रो हूँ भाई, कुछ नहीं है भाई, तो का मेरा। उसके बाद वापस अपने घर पे आ चुका था, घर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर था, जो कि मैं सोचा था इसे किडनैप कर लेते हैं, उसे अपना नॉर्मल विलेज बना लेंगे जिससे कि हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो इसे जाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी क्योंकि बाकी ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं वहां तक लेके चला गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो वार्डन था जो मैंने वहां पे स्पॉन किया था वो एक्चुअली मेरे घर के आसपास आ गया था, मुझे नहीं पता वो कैसे आया क्योंकि मैंने वहां का दरवाजा मतलब जो गेट था वो एक्चुअली मैं बंद कर दिया था, लेकिन ऐसे एक और रास्ता होगा जिस वजह से मेरे घर के आसपास आ रखा था। और मेरी दूसरी दिक्कत ये थी कि मैं इस विलेजर को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मेरे पास नेम टैग है, मतलब नेम टैग मैंने देखे थे यार एक तो चेस्ट में, लेकिन मैं वहां से कलेक्ट नहीं कर पाया था, और अगर मैं देखो गोल्ड एप्पल ढूंढने जाऊंगा तो भाई गोल्डन एप्पल ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और एंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल ही खाता नहीं है, और मुझे पोशन ऑफ वीकनेस भी बनाना है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं इतना श्योर था कि भाई ये डिस्पोन हो जाएगा जब तक मैं सारी चीज करके आऊंगा, लेकिन कोई नहीं यार हम
दूसरा पकड़ लेंगे, वैसे भी इनकी कोई कमी है भाई, ज़ॉम्बीज़ तो बहुत सारे हैं। तो उसका मैं वापस चला गया था चेस्ट वगैरह लूटने के लिए। मैंने एक दो चेस्ट लूटी तो उसमें कुछ ज़्यादा खास सामान मिला नहीं था। एक चेस्ट मुझे भाई दो गोल्डन एंचेंटमेंट एप्पल मिल गए थे, उसके बाद मैंने एक दो चेस्ट और लूटी थी और अगली चेस्ट मुझे यहाँ पे गोल्डन एप्पल मिल गया था, लेकिन एक ही मिला था। मैं सोचा था कि दो तो कलेक्ट करके जाऊँ, लेकिन ठीक है भाई एक भी काफ़ी है। और जब मैं वापस गया तो मुझे देखा कि वहाँ से वो डिस्पोन हो चुका था। वैसे मैं मेंटली प्रिपेयर था इसके लिए, जो पता था वो डिस्पोन होने वाला था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करे थे क्योंकि अब हम होगली वाला फार्म बनाने वाले थे, मतलब वो फूड फार्म होता है जो कि ऊपर की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ मतलब नेदर की जो ऊपर वाली बेडरॉक के ऊपर वाली जो एरिया होता है उसे, हाँ वहाँ पे बनता है ये। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे ऑब्सीडियन चाहिए, तो मैंने दो तीन दिन ऑब्सीडियन माइन करे क्योंकि ऑब्सीडियन माइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो वाला फूड फार्म बनाने के लिए हमें एक स्पेशल बायो में जाना पड़ेगा जो कि होता है नेदर बेस्ड, उस वाली बायो में आ चुका था। उसके बाद हमें जाना था सबसे ऊपर की तरफ जो कि इस ऐसे एरिया होता है 127 वाला ब्लॉक पे हमें जाना था, और वहाँ पे बस सिंपली सीढ़ी करनी थी और एंटरपल फेंकनी थी, हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया था और हमारा दूसरा काम होने वाला था कि अपने इस वाले पोर्टल को अपने घर वाले पोर्टल से कनेक्ट करना, और उसके लिए मुझे उसी कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ता था जहाँ पर मेरा पहला वाला पोर्टल बना था। तो वहाँ पे मैंने जल्दी से पोर्टल बना दिया था, उसे लाइट अप कर दिया था, और जब मैं इसके अंदर गया तो मैं वापस अपने घर वाले पोर्टल की तरफ चला गया था। ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं सक्सेसफुली। उसके बाद हमारा तीसरा काम था रिसोर्सेज इकट्ठा करना। उस फार्म को बनाने के लिए हमें कम से कम 8 होपर चाहिए, तो उसके लिए हमें आयरन चाहिए। उसके बाद मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया था और यहाँ से मैंने 8 होपर बना लिए थे। वैसे 8 की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, मुझे 6 में काम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें और थी तो मैंने फटाफट से इन्हीं बना ली थी और मैं चला गया था नेदर की तरफ जहाँ पे मैंने वाला ब्लॉक रखा था। तो मैं एग्जैक्ट उस वाले कोऑर्डिनेट पे आ चुका था। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाया है इस फार्म को बनाते बनाते। तो उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, तुम एंजॉय करो। और फाइनली यहाँ पे हमारा होगलिन फार्म भी तैयार हो चुका था। वैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा नीचे कोई होगलिन वगैरह स्पॉन हो भी रहे या नहीं हो रहे। उसको तो मैं वापस से नीचे की तरफ आ गया था। जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था यार मुझे एक भी होगलिन दिखा, मुझे लगा था कि होंगे एक दो होगलिन तो होंगे जो मर रहे होंगे और अपनी जान की भीख मांग रहे होंगे मुझसे, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। और मुझे ऐसा लगा था कि ये काम नहीं कर रहा सही से, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन जब मैंने चर्च खोली तो मुझे पता चला अच्छे से काम कर रहा है ये। वो जब स्पॉन होते हैं जब मैं छत पे हो रहता हूँ, मतलब कि AFK स्पॉन पे, AFK स्पॉन मतलब कि जहाँ पे, हाँ मतलब AFK होते हैं वहाँ पे रहता हूँ जब स्पॉन होते हैं अभी। उसके बाद मैं वापस से घर की तरफ रवाना हो गया था और घर में डायरेक्ट घर नहीं गया था। उसके बाद मैं वापस से नेदर में आया था क्योंकि मुझे फोर्ट्रेस से ब्लेज रोड कलेक्ट करनी थी, क्योंकि मुझे पोशन ऑफ वीकनेस बनाना है ताकि मैं जो ज़ॉम्बीज है हमारे विलेजर ज़ॉम्बीज उन्हें नॉर्मल विलेजर बना सकूँ। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे ब्लेज रोड चाहिए थी ताकि मैं एंडर ड्रैगन को हरा सकूँ, और वहाँ जाके मुझे इलाइटर लेना था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इलाइटर, तो वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी विलेजेस को मारता और यहाँ पे भाई मारते मारते अपनी हेल्थ भी देखता। मैं यहाँ से काफी अच्छी खासी ब्लेज रोड कलेक्ट कर ली थी और यहाँ से मैंने एक ब्लेज रोड से ब्रूइंग स्टैंड बना लिया था ताकि मैं उससे पोशन ऑफ वीकनेस बना सकूं, और मुझे ब्लेज पाउडर भी चाहिए था पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए। और उसके बाद मैं वापस से नेदर में आ चुका था। नेदर में आके मुझे यहाँ पे एक बेशन मिल गई थी जिसके ऊपर ही थोड़ा सा गोल्ड रखा था, मतलब इतना गोल्ड था कि हाँ हम कुछ डील वगैरह कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे भी एंडरपल काफी ज्यादा चाहिए थे, तो मैंने सोचा मैं पिगलिन से डील वगैरह कर सकता हूँ जिससे कि मुझे कुछ एंडरपल वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग मुझसे गुस्सा थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे टाइम वेस्ट करता हूँ, इतने का गुस्सा शांत हो जाएगा और उसके बाद हम डील वगैरह कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि जो पिगलिन गार्ड वगैरह थे भाई, ये बंदे लावा के बीच बीच में सार थे भाई, इनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था इतना मैं कह सकता हूँ। देखो मेरे हार्ड कोर में था और हाँ अटैक पावरफुल होती है इनके। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि ये सारे लावा में जल के मर गए। मतलब क्या ही जरूरत थी भाई मुझे मारने के लिए, मुझे मारने के चक्कर में खुद ही मर रहे हो। उसको यहाँ पे थोड़े से पिगलिन आ गए थे तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी ट्रेड करी थी। मैं जल्दी जल्दी गोल्ड इसलिए फेंक रहा था ताकि उस पर अटैक ना करते क्योंकि ये लोग अभी भी मुझसे गुस्सा थे। और इस सारी ट्रेड में मुझे अच्छी खासी चीजें मिल गई थी, मुझे थोड़े से फायर रेजिस्टेंस पोशन मिल गई थी, थोड़ी सी बहुत एंडरपल मिल गई थी। एंडरपल मुझे टोटल पहले 9 मिली थी, उसके बाद से मुझे 5 और मिल गई थी, तो मेन टोटल मेरे पास 14 हो गई थी। और मतलब ठीक थी भाई 14 एंटरपल, मेरे लिए काम चल जाएगा। उसको यहाँ से मैंने आई ऑफ द एंटर बना ली थी और मैं चला गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की तरफ क्योंकि अब हमें एंडरमैन को मारना है, एंडर ड्रैगन को मारना है। यार मैं क्यों भूल जाता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ की चेस्ट भी लूट रहा था क्योंकि मैं सोचा था यहाँ से एक दो एंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिल जाए तो अच्छी खासी बात रहेगी। और यहाँ पे एक वाटर स्पून हो गया था, मैंने गलती से उस पर पैर रख दिया था, वो हरामी एकदम से स्पून हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि एक बार मैं अंधेरा करेगा और दूसरी बार जब मैं पैर रखूंगा तो वो वाटर स्पून करेगा।
करेगा। लेकिन नहीं भाई, इस बार इसने पहली बार में कर दिया था मॉडर्न स्पॉन, और वो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा ऊपर की तरफ था, मैं पोर्टल रूम के ऊपर की तरफ था। मैंने सोचा था कि इस वाले पोर्टल से मैं थोड़ी सी डर्ट कलेक्ट करके लेके चले जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मॉडर्न स्पॉन हो गया तो मैंने सोचा भाई यहाँ से भागते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई जो कि भाई मुझे लगता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे वार्डन भाई मेरा पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। ये हरामी वार्डन गाली निकल जाती मेरे मुँह से, लेकिन भाई ये बंदा ये भाई आस पास आता रहता है, ये सोनिक बीम छोड़ता है, इसी में बच गया था। और ये ऊपर तो चढ़ नहीं पाता, तो मैं ऊपर आराम से भाग रहा था, लेकिन भाई इसे पीछे छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। भाई फाइनली ये आखिरकार इसने भाई पीछे छोड़ा, लेकिन बहुत देर में जाकर छोड़ा है। भाई एक गोटर ने प्रवेश कराया था इसने, और तुम उस कदमों की आवाज़ सुनो भाई, ये जब चलता है ना इसकी आवाज़ आती है, वही दिमाग खराब करती है, ऐसा लगता है कितनी पास हो, लेकिन जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो हाँ अच्छी खासी दूर होता है ये। यहाँ से मैंने अपनी चीज़ों को बंद कर दिया था ताकि वो आ ना पाए, और मैं ऊपर की तरफ थोड़ा माइनिंग करने चला गया था, क्योंकि जो आई ऑफ द एंडर है वो भी ऊपर की तरफ साइन दे रही थी कि हाँ उसके आसपास ये मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड। और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी आ चुका था, मैं सीधा लाइब्रेरी में फोन हुआ था, और यहाँ पे मुझे एक बुक मिली थी इन्फिनिटी वाली। भाई ये चीज़ ना काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई थी, इन्फिनिटी वाली बुक मिल गई थी, क्योंकि वो तो खैर मैं लाया नहीं था, लेकिन हाँ विदर को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अब हमें उसको। यहाँ पे मैंने सारी आई ऑफ द एंडर लगा दी थी, और यहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं चले गया था एंड में। और देखो अब हमें बस एक ही काम करना है, वो है एंडर ड्रैगन को मारना, उसके बाद हमें इलाइटर लेना है। लेकिन इस एंडर ड्रैगन के जो मारने का तरीका है वो पहले हमें क्रिस्टल फोड़ना पड़ेगा, और वो लाया था तो मुझे ऐसे ब्रिज बना बना के जाना पड़ा था, थोड़ा मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ हमने धीरे धीरे करके सारे क्रिस्टल फोड़ दिए थे। यहाँ पर मेरी सांस अटक गई थी, क्योंकि मैं दो हार्ट से बचा था भाई, लिटरली ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पास था, थोड़ी सी पास और होता मैं मर जाता, लेकिन ठीक है भाई बच गए। उसके बाद जैसे ही एंडर ड्रैगन नीचे की तरफ आया तो उसमें तलवार बजानी शुरू कर दी, क्योंकि वो मेरे पास था नहीं, तो उड़ने के बाद तो भाई ये बहुत देर में आता था, तो इसलिए मैं बीच में एडिटिंग में कट मार रहा हूं। और सच कहूं तो इसे मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन भाई एंडर ड्रैगन को भाई कुछ नहीं बना रखा इन्होंने, क्योंकि जब से वार्डन आया ना एंडर ड्रैगन तो भाई बालक ही है, वैसे पहले ही बालक था, कि इसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है सच बताऊँ तो। अगर माइनक्राफ्ट का असली बॉस होना तो वो या तो विदर रखो या फिर वार्डन रखो, पता नहीं क्यों लेकिन एंडर ड्रैगन बॉस किसी एंगल से नहीं लगता। ये बंदा इस पर कुछ अटैक भी नहीं है, ये बस मुंह से वो फेंकता है ड्रैगन ब्रेथ है ना, बस एक ही अटैक इसके पास। और उसका मुझे जानता है लाइटर ढूंढने, तो यहाँ से मैं एंडर पर मार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पहले अटैम्प नहीं हुआ तो कोई नहीं दूसरे अटैम्प में हो ही जाएगा इस बार, ओके मतलब हो गया ठीक है हाँ हो गया। उसके बाद हमने अपना फेवरेट काम किया, बहुत सारे एंडरमैन को बुलाया और उनमें बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए थी एंडर पर काफ़ी सारी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पहुंचने में, और यहाँ पर काफ़ी सारे एंडरमैन थे। और बहुत ही तक चलने के बाद मुझे फाइनली सामने की तरफ यहाँ पे एक एंड सिटी दिखी थी, जिसके ऊपर शिप भी थी, तो मतलब वहाँ से मुझे इलाइटर मिल सकता था। उसके बाद मैं उसके एंड सिटी के अंदर चला गया था, एंड सिटी के अंदर कुछ भी खास सामान नहीं था, तो मैं वापस शिप की तरफ चला गया था ताकि मैं वहाँ से इलाइटर ले सकूँ, और वहाँ पे एक चेस्ट होती है तो वहाँ से अगर मुझे डायमंड वायमंड मिल गए तो ठीक रहेगा। और एक चेस्ट मुझे यहाँ पे तीन चार डायमंड मिले थे, और दूसरी चेस्ट मुझे यहाँ पे भाई सिल्क टच की पिकैक्स मिली थी, जो कि सही बात थी भाई, क्योंकि इस सिल्क टच से मैं एक बढ़िया चीज़ करने वाला था जो कि तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। चलो बता देता हूँ, एक्चुअली मैं एक वार्डन फार्म बनाने वाला था, और मैं क्या सोच रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे वार्डन स्पॉन कर देंगे और उनसे फिर लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं मतलब बस उन्हें कैद करके रखेंगे। उसके बाद मैं वापस घर की तरफ चलने लगा था, और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो इलाइट्रा होता है, ये इलाइट्रा नाम कैसे रखा पता है, ये कॉकरोच के पंख होते हैं ये असल में, हाँ ये कॉकरोच के पंख को इलाइट्रा कहते हैं, और ये बात मुझे अभी ताजी पता चली है। और जब मैं घर पे आया तो यहाँ पे भाई एक बेबी ज़ॉम्बीज भाई एक चिकन के ऊपर बैठा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा रेयर होता है, क्योंकि पूरा गोल्ड आर्मर में पहन के आया था, हाथ में तलवार थी, और ऐसे जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। पहले मैं सोचता इस चिकन को भाई बचा लेते हैं, इसकी ब्रीडिंग वगैरह करवा देते हैं, लेकिन मैंने इसे मार दिया। उसके बाद मैं घर पे आ चुका था, और यहाँ पे मैंने एनुअल बना लिया था ताकि मैं अपनी चीज़ों को एंचेंट कर सकूँ। मेरे पास काफ़ी सारी एंचेंटमेंट बुक थी जो कि मुझे चेस्टों से मिली थी, और यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ों को एंचेंट कर लिया था एक एक करके। इतनी खास एंचेंटमेंट मिली नहीं थी, पर हाँ फिर भी ठीक ठाक थी। मुझे सोर्ड पे अच्छी खासी एंचेंटमेंट मिल गई थी, और बो पे इन्फिनिटी मिल गई थी, तो ये काफ़ी दोनों अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे आसपास अगर स्किल्स क्रिएटर मिल जाते थे तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता था, क्योंकि अब मेरे पास देखो सिल्क टच है तो मैं इनसे कलेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने सोचा कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता था इन सबसे हम कितने सारे वार्डन को स्पॉन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कि अब हम अपना घर बनाएंगे, और घर का एक छोटा सा टाइम लैप्स है, मतलब थोड़ा बड़ा टाइम लैप्स है, और वो थोड़ा अंधेरे में बनाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था इसलिए। तो देखो यार
और फाइनली आखिरकार हमारा घर बन गया था। उसे बताओ, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, क्योंकि मैं सोचता था पहले छोटा सा घर बनाऊँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि एक बड़ा घर बनाती है, क्योंकि छोटा घर मुझे कहीं मिला ही नहीं था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये बनाया। वैसे से बताऊँ तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, पर हाँ फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे यार अगर कलरफुल ब्रिक वगैरह होती ना, मतलब और कुछ होते पेड़ वगैरह होते, तो हम कुछ और चीज़ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चीज़ थी नहीं, तो हमें भाई डीप स्लेट से काम चलाना पड़ा। और अभी मैंने इसके अंदर चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रखी थी, बस मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं आगे की तरफ चला गया था थोड़ा एक्सप्लोर करने, तब पता चला कि आगे वार्डन भैया है, और पीछे यार एक मकड़ी ने धक्का दे दिया था, भाई ये हरामी मकड़ी। और तुम्हें एक सिंपल चीज बताऊं वार्डन से बचने का, देखो वार्डन के सामने जब वार्डन हो तो उसके आसपास मूवमेंट मत करो, अगर उसके आसपास मॉब होंगे तो वे मूवमेंट करेंगे, उनकी आवाज आएगी तो वार्डन उन्हें मारने चले जाएगा, तो वो कभी तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, बस तुम उसे टच मत करना। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश करी तो वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास मॉब्स वगैरह है, ज़ॉम्बीज़ वगैरह है, तो उन्हें मारता रहेगा, उसे तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगा चलो थोड़ा सा पंगा ले लेते हैं और थोड़े से एरो वगैरह मारते हैं, मेरे पास वो में इन्फिनिटी वगैरह थी और ये यहाँ के क्रीपर वगैरह मार रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा परेशान किया जाए, इसे एरो मार के भागते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे एरो मारा और भाई मैं यहाँ से भागा, मुझे पता देखो आ तो पाएगा नहीं, क्योंकि सब गोल चक्कर घूम के आना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, और इतनी भाई मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और यहाँ पे उसने मेरा पीछा छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा एक बार और देख के आते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। लेकिन जब मैं आगे की तरफ गया तो भाई उसने अपनी यहाँ पे सोनिक बीम मार दी थी, मतलब जो भी उसकी लेजर लाइट बोलूंगा मैं उसे, जो भी वो मारता है यार वो लाइट, तो उसे देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे पीछे आएगा और मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम थी, तो यहाँ से मैंने गोल्डन एपल भी खा लिया था। और मुझे नहीं पता ये भाई वार्डन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, पहले तो हर बार छोड़ देता था यार, लेकिन इसका एक अटैक मुझे सबसे बढ़िया लगता है जो लेजर लाइट छोड़ता है। इस अटैक से देखो होता क्या है, हमारी बूस्ट बढ़ जाता है, हम मतलब तेज भाग पाती है, तो इसलिए ये थोड़ा पीछे रह जाता है। और ऐसे करते करते फाइनली भाई यहाँ पे इसने मेरा पीछा छोड़ दिया था, और वहाँ से भागने के बाद भाई मैं सीधा घर की तरफ निकला, और घर पर आने के बाद मैं नेदर चले गया था ताकि मुझे यहाँ से विदर हेड मिल सके। मैंने यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी विदर को मारा था, लेकिन उसे विदर हेड मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात थी, लेकिन फाइनली जैसे जैसे भाई मुझे यहाँ पे एक विदर हेड मिल गया था। और सर बताऊँ तो अगर दुनिया का कोई सबसे हार्ड काम है तो वो भाई विदर हेड ढूंढना, क्योंकि बिना लूटिंग थ्री के भाई तुम्हारे पास नहीं आती यार ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत सारे विदर को मारनी पड़ती है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे विदर को और मारा, और जब जाके मुझे यहाँ पे अपना दूसरा विदर हेड मिला था, हाँ उसके बाद फिर मैंने औरों को मारा, और फाइनली बहुत देर बाद जाके मुझे तीन विदर हेड मिले थे। मतलब तुम सोच सकते हो मैं 2-3 घंटे तक तो मार ही रहूँगा इन्हें, लेकिन फाइनली आखिरकार हमारे तीनों विदर हेड कंप्लीट हो चुके थे। अब बस हमें विदर को स्पॉन करना था, जो कि मैं अभी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने आप को नेदरराइट में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि विदर को मारते मारते पता चला भाई वार्डन भी स्पॉन हो गया, तो भाई दोनों से लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोचा था कि भाई अपने आप को पहले नेदरराइट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं घर पर आया तो मुझे पता चला कि मेरे घर के पास वार्डन खड़ा था, मतलब वार्डन लिटरली इस पोर्टल के रूम के नीचे था, और यहाँ पे कैसे आया मुझे नहीं पता, मैंने उसे पिस्टल या एंड सिटी में छोड़ा था, मतलब मैंने मारा नहीं उसे अभी तक, मतलब मुझे लगा कि वो घूम घाम के कहीं और चला जाएगा, लेकिन वो घूम घाम के मेरे घर पे आएगा ये मुझे नहीं पता था, और वो बिल्कुल पोर्टल रूम के नीचे खड़ा है, और मैं घर पे जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि वो जो मार देगा। और भाई ये देखो भाई बंदे ने अपने घर बना रखा है यहाँ पे, भाई ये मेरे मुझे देख लिया था इसने, मतलब मेरी आवाज आ गई थी इसलिए मेरे पीछे आया था, वहाँ से आने का रास्ता था, मैंने जीना बनाया था ऊपर आने का। और यहाँ पर भाई इसने यहाँ पे सोनिक बीम मार दी थी, तो मैंने लाइटर पहन लिया था और मैं इसे थोड़ा बच गया था भाई, मैं थोड़ा दूर आ गया था, क्योंकि काफ़ी सही बात है भाई, अगर लाइटर नहीं होता तो सही से मर सकता था। तो देखो लाइटर होने का कुछ तो फायदा है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास रॉकेट और होती ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच सकता था, मतलब मैं और ज़्यादा रिस्क ले सकता था। अभी तो मैं बहुत ही दूर दूर रहता था उससे वार्डन से, ताकि मेरे पास भी ना आए, लेकिन अगर रॉकेट वगैरह होती तो मैं नीचे जाके भी लड़ सकता था, अगर कुछ दिक्कत होती तो मैं एकदम उड़ जाता, तो लेकिन यहाँ पे सैंड वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम रॉकेट तो बना नहीं सकते। और यहाँ पे भाई मेरी हेल्थ देखो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, भाई ये स्केल्टन वगैरह भी काफ़ी गंदी हेल्थ खाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्केल्टन थे, और भाई क्रीपर वगैरह बहुत थे यार। और उसका मैं वापस अपने घर पर आ चुका था, थैंकफुली भाई वार्डन यहाँ से चला गया था, क्योंकि सहसे जब मैं वो मेरे पीछे आ गया था तो सहसे ऊपर वाले पोर्टल वाले रूम से कहीं और चला गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी मतलब पोर्टल के पीछे होगा कहीं ना कहीं। और घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अगला एक दिन मैंने अपने घर को पूरा मैनेज किया था, मैंने सारी सामान रखी, मैंने बहुत सारी चेस्ट बना ली थी, और उन चेस्ट में मैंने सामान अरेंज किया था, और सामान अरेंज करने के बाद मैं चला गया था नेदर की तरफ, क्योंकि मुझे चाहिए था एशियन डेब्री ताकि अपनी चीज़ों को नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकूं। और इसमें यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मैंने यहाँ पे माइनिंग करनी शुरू करी, मैं कम से कम 15 मिनट से माइन कर रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ये जगह ही पन होती है, मैं बोधेस माइन करूँ, कुछ नहीं मिल रहा जगह में। उसके बाद मैंने यहाँ से जगह चेंज करी थी, मैं किसी दूसरे एरिया में चला गया था, वहाँ पे मुझे अपना पहला डेबरी मिला था। सच में ये 5 यूनिट मुझे पहला डेबरी मिल गया था एक, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जहाँ पे पहले माइन करता था वहाँ पे एक भी डेबरी नहीं था। और फाइनली ऐसे करते करते मुझे बहुत सारी डेबरी मिल गए थे, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। और सबसे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करी थी, मैंने भाई मेरी पिकेक्स भी टूटने वाली थी। और घर जाने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फर्नेस बना ली, तो मैंने वहाँ पे फर्नेस रख लिए थे। लेकिन अब तुम बात सुनो, वार्डन आ चुका था मेरे घर के ठीक पीछे, और जब मैं चेस्ट खोल रहा था तो वार्डन को आवाज़ आई थी, और वार्डन मेरी
घर के पीछे खड़ा था। और एक बार तो ऐसा हुआ, मैं भाई चेस्ट खोल के अपना कोल वगैरह ले रहा था, उसने भाई वो जो लेजर बीन होती है वो मार दी थी भाई। ये अगर दूसरा अटैक हो जाता ना, मैं मर जाता कसम से, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेस्ट प्लेट पहन रखी थी, मैंने इलाइटर पहन के आया था और मेरी हेल्थ देखो तुम, दो अटैक दो हेल्थ पे हूँ मैं भाई। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि अब मैं अपनी चेस्ट भी नहीं खोल पा रहा था। मैं जैसे चेस्ट खोलता था वो भाई एकदम आ जाता था, और मुझे इतना तो पता था देखो उसका जो सोनिक वेव है उसकी, मतलब जो भी लेजर लाइट वगैरह मारता है उसकी एक लिमिट होती है, मतलब उस लिमिट से ज़्यादा वो मार नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि या तो हमें इसे मारना पड़ेगा या तो हमें खुद मरना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर से मेरे घर के आसपास भटक रहा है। अब मैंने सोचा इसे मारते हैं। तो मैंने क्या काम करा कि मैं एक हाई लेवल पे चला गया था जहाँ पर वार्डन अपनी लेजर लाइट ना मार सके, और मुझे लग रहा था ये करीब कम से कम 20 ब्लॉक की हाइट पे गया होगा मैं। और वहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पे वार्डन खड़ा था, तो मैंने उसे एरो मारना शुरू कर दिया था। और मुझे पता देखो एरो मारने से काफी देर में मर रहा था। देखो अभी मैं इससे वैसे फाइट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मुझे मार देगा आसानी से, इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसने मैंने डिसाइड किया कि मैं एरो ही मारता रहता हूँ, वैसे मैंने वो मैं इन्फिनिटी लगा रखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एरो खत्म होने की भी। लेकिन इसे मारने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था भाई, इसे एरो से मारना तो भाई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। मैं 12 मिनट तो ऐसे मैंने जैसे लगातार मारा था, और जब जाके हरा भी मारा था। हाँ फाइनली मर गया था, ये अच्छी बात थी भाई, मुझे लगा भी था ही आज की डेट में मर जाएगा, पर यस फाइनली हमने इसे हरा दिया। चाहे कैसे हराया हो वो फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ हमने इसे हरा दिया था। और वार्डन को मारना देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे तुम आयरन गोलम को मारते हो ब्लॉक लगा के, ऐसे तुम वार्डन को मार सकते हो, बस फर्क ये रहेगा कि ब्लॉक थोड़े ऊपर रहेंगे और तुम्हें एक अच्छा खासा बो चाहिए उसे मारने के लिए। लेकिन यार एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, जैसे कि हम एंडर ड्रैगन को मारते हैं उससे हमें काफ़ी सारी एक्सपी मिलती है, विदर को मारते हैं तो हमें विदर स्टार मिलता है और उससे हमें थोड़े बहुत इफेक्ट मिल जाते हैं अगर हम बीकन बनाएं। लेकिन यार इस वाले मॉब को मारने से कुछ खास चीज़ नहीं मिलती, सच बताऊँ तो इससे कुछ होता नहीं है। मे बी अगले वाले अपडेट में शायद से हमें इससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है गोल्ड एप्पल का एक स्टैक मिल जाए, पर फिलहाल तो अभी कुछ नहीं मिलता तो इसे मारने का कुछ फायदा नहीं है। तो देखो अगर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना सिर्फ मारने की, मत मारो भाई, वहाँ पर जाओ मत। उसके बाद मैंने अपने आसपास के एरिया को थोड़ा लाइट अप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो रहे थे। वैसे मैंने नाइट लगा रखा था, यहाँ पे एक रिसोर्स पैक होता है जिससे मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन अगर तुम रियल उसमें देखोगे ना भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। अगर तुमने रिप्ले मोड देखा हो तो मेरा वो देख लेना, रिप्ले मोड में भी मैंने भाई टॉर्च लगा के काम किया था और यहाँ पे अपनी चीजों को रिपेयर कर रहा था क्योंकि अब मैंने नेदरराइट में कन्वर्ट करने वाला था। और उसके बाद मैंने एक ही करके इन सारी चीजों को नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया था, मैंने अपनी तलवार को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया था। मैं सोचा था एक और ले लेते अपनी पिकेक्स को भी कर ही देते क्योंकि सेल्टस की पिकेक्स मतलब काफी ज्यादा ठीक लग रही थी, मतलब मुझे उसको मैं ऐसी एक्सप्लोर कर रहा था। और यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, एक ज़ॉम्बी विलेजर तो यार मर गया था, यहाँ पे दो थे तो मैंने सोचा भाई एक को बुलाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा गड्ढा कर दिया ताकि इसके अंदर डाल दूं मैं इसे, लेकिन उसके साथ साथ यार दूसरे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे तो मैंने सोचा पहले इन्हें मारते हैं। और मैंने जैसे तैसे करके भाई एक ज़ॉम्बीज को इसमें डाल दिया था और मैं जल्दी से यहाँ से निकल गया था। अब बस मैं पोशन मारना था, पोशन ऑफ वीकनेस जो कि मेरे पास था मैंने बना लिया था, और उसके बाद मैंने इसे गोल्डन एप्पल भी दे दिया था। लेकिन अभी से विलेजर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इतने भाई अपना सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट करते हैं जो था स्कल श्रीकर से हमें एक पूरा एरिया बनाना है, मतलब उस एरिया में स्कल श्रीकर ही होंगे बहुत ज्यादा, और वहाँ पे मैं सोचा था कि बहुत सारे वार्डन स्पॉन कर देंगे हम। बेसिकली वो वार्डन की जेल होने वाली थी और उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स है। देखो टाइम लैप्स में इतना ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन फिर भी कोशिश करो देखने के लिए। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा यार कलर करेक्शन में थोड़ा ठीक करने की, उम्मीद है तुम्हें दिखेगा थोड़ा बहुत। तुम ये देखो भाई, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था भाई सच में भाई वहाँ पे वार्डन स्पॉन होएगा अब तो मुझे मार देगा, और लेकिन अच्छी बात नहीं हुआ। लेकिन साथ के साथ यार मुझे भूल वगैरह भी लगानी पड़ रही थी इसके साथ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन हाँ आखिरकार हो ही गया था। और फाइनली यहाँ पे हमारी वो चीज़ भी कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस बारी थी हमें विदर को हराना था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी सारी सामग्री उठा ली थी, सोल सैंड और अपने विदर हेड, और उसके बाद मैंने एक सेफ जगह ढूंढ के यहाँ पे मैंने इसे विदर को स्पॉन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले यार मैंने अपने हाथ में सारे पोशन वगैरह ले लिए थे, गोल्डन एन्चेंटमेंट पेपर भी ले लिया था, और यहाँ पे मेरे पास बो वगैरह सब थे, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो लगता है यार, सामने विदर है और विदर को मारने में देखो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि बो से तो इसे बहुत कम हेल्थ जाती थी क्योंकि मेरी बो में बस इन्फिनिटी का अलावा और कुछ नहीं लग रखा था, ना से पावर 1 थी यार पावर 2 कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए यार थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसे मारने पे। लेकिन जब ये नीचे आया तो यहाँ पे मैं इसे आराम से मार सकता था, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी, इस विदर ने भाई मुझे यहाँ पे उस वाले एरिया में डाल दिया था और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मुझे लगा था यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो गया ना तो भाई मैं मर जाऊँगा, तो यहाँ से मैंने गोल्डन एप्पल तो खा ही लिया था और मैंने इसे मारना शुरू कर दिया था भाई। मेरा पूरा फोकस बस इस पे था, इसे मार दूंगा यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन भाई मुझे डर लग रहा था उससे पहले अगर वार्डन स्पॉन हो गया ना तो भाई यहाँ से तो मेरा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगा था कि नहीं हो पाएंगे 100 डे, और यहाँ से मैं भाई जैसे जैसे इसे मार दिया था आखिरकार यहाँ पे मर गया। मैंने इसका विदर स्टार उठाया और भाई मैं
यहाँ से निकल गया, मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे यार वार्डन स्पॉन ही नहीं हो रहा था। मुझे पहले लगा था यार वार्डन तो स्पॉन होगा, ऐसे ही मैंने इस वाले एरिया का वार्डन मार दिया, ऐसे इस वजह से स्पॉन नहीं हो रहे। और देखो मैं इस वाले वार्डन में पहली बार खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वार्डन का सच में कैसे स्पॉन होते हैं। कई बार तो वो एक बार में स्पॉन हो जाता है, कई बार भाई मैंने इतने सारे लगा दिए अब भी स्पॉन नहीं हो रहा। तो अगर तुम्हें पता यार तो बताओ यार। और घर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा विलेजर अच्छा खासा ठीक हो चुका है, तो मैंने अपने घर के अंदर बुला लिया था। और मुझे एक और विलेजर की जरूरत थी ताकि मैं दोनों की ब्रीडिंग करवा सकूँ और यहाँ पे एक लाइफ जनरेट कर सकूँ, मतलब बहुत सारे विलेजर कर सकूँ, उनसे मैं अच्छी खासी डील कर सकता हूँ। मतलब फार्मिंग वगैरह मुझे करनी नहीं पड़ेगी, फिर मैं लकड़ियाँ बेच के इन्हीं से खाना वगैरह खरीद सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा सही बात होगी। और उसको मैं ऐसी आगे तरफ जा रहा था तभी मुझे यहाँ पे एक वार्डन दिखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सा वार्डन है, लेकिन भाई इसे आराम से बच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉब्स हैं, तो ये पहले उन्हें मारेगा उसके बाद मेरे पीछे आएगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया था, मुझे पता था कि मुझे मारेगा नहीं। और आगे चलने के बाद यहाँ पे मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, तो मैंने सोचा भाई इसे भी घर की तरफ लेके जाते हैं और हमारे पास दो विलेजर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम आसानी से ब्रीडिंग वगैरह करवा सकते हैं इनकी। और उसे लाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इसी के साथ साथ यार बाकी ज़ॉम्बीज भी यार मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। सबसे पहले मुझे उन्हें मारना पड़ रहा था, उसके बाद यहाँ पे मैंने भाई इसे अंदर बंद करा था, यहाँ पे मैंने पोषण दे दिया था और यहाँ पे मैंने गोल्डन एप्पल भी दे दिया था। अब जैसे ही ठीक हो जाएगा उसके बाद हम इनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। इतने टाइम में मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी फसल वगैरह काटी थी ताकि मैं इनके लिए ब्रेड वगैरह बना सकूँ, क्योंकि ब्रेड से ये ब्रीडिंग करते हैं और नहीं तो ये उबले हुए आलू से भी कर सकते हैं, ऐसे बोल्ड पोटैटो से भी करते हैं। हाँ ये पर वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे वीट वगैरह करते हैं। और अगले कुछ दिन तक मैंने बस यहाँ पे बेड वगैरह लगाई, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, इन सब के लिए जॉब वगैरह बनाई, मतलब मैंने कंपोस्ट वगैरह बना दिए थे, दो तीन फ्लेचर टेबल वगैरह बना दी थी। तो अगले तीन चार दिन तक बस मेरा यही काम था। और उतने में भाई हमारा ये वाला विलेजर भी एकदम तैयार हो चुका था, मतलब ठीक हो चुका था ये, तो मैंने इसी भी अंदर बुला लिया था और यहाँ पे मैंने इन्हें ब्रेड दे दिए थे ताकि आपस में ब्रीडिंग वगैरह कर सके। लेकिन इन्हें ब्रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं उस पार्ट को स्किप करता हूँ और मैं अब तुम्हें सीधा दो दिन बाद मिलता हूँ, क्योंकि दो दिन तक मैंने कुछ ज़्यादा खास सामान किया नहीं था यार। मैंने इनके लिए सामान वगैरह बनाए थे, फसल वगैरह काटी थी, ब्रेड वगैरह उगाए थे, बस यही काम किया था। और फाइनली यहाँ पे हमारे 100 दिन हो चुके कंप्लीट, जैसे कि तुम देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर थोड़े बहुत गोलम भी स्पॉन हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर विलेजर आ चुके हैं, तो अब एक गोलम नीचे की तरफ स्पॉन हुआ था और एक गोलम ऊपर की वाली मंजिल पे स्पॉन हुआ है, तो उसे भी मुझे नीचे लाना है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं ब्लॉक लगा के ऊपर जाता हूँ। ओके देखो वो ऊपर वाला गोलम, इसे भी हमें नीचे लाना है। ये पता नहीं ऊपर स्पॉन क्यों हो गया, पर ठीक है यार, अब हमारे पास आयरन वगैरह की कुछ कमी होगी तो हम इन्हें मार देख लेंगे। और तुम ये देखो यहाँ पर कितने सारे विलेजर आ चुके हैं, मतलब मैंने इतनी की तो ब्रीडिंग करवाई नहीं थी जब से मैंने यहाँ पे फार्मर लगाए थे ना, मैंने दो फार्मर लगाए थे यहाँ पर, और ये फार्मर पता नहीं क्यों अपने आप ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब बस मैंने यहाँ पे बेड काफी सारे रख दिए थे, सबकी जॉब रख दी थी, तो मतलब हाँ चीज़ें अच्छी तरह से काम कर रही है। और फाइनली यार यहाँ पे देखो हमारे 100 डे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने सारी चीज़ कंप्लीट कर दी है, सारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दी है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और नई वीडियो का टॉपिक जरूर बता देना यार मुझे, क्योंकि मेरे पास टॉपिक की कमी हो रही है यार।